हाय हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ भाविन दवे एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 5. सो वी हैव टू लर्न हियर टुडे स्टैंडर्ड 5 मैथ्स एंड देन चैप्टर 2. एंड चैप्टर 2 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल्स एज पर गिवन मेजर एंड राइट टाइप्स ऑफ एंगल. सो लास्ट टाइम हमने सीखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इन द एंगल इन द क्लॉक ऑल्सो वी हैड ड्रॉ डिफरेंट एंगल्स राइट. देन नाउ दिस टाइम वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ सम पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल. मेजरमेंट ऑफ एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे वो हमको सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस ईयर. आई हैड रिटन ईयर फर्स्ट 90 degree. सो 90 degree हाउ टू ड्रॉ. सी यू हैव दिस इज प्रोटेक्टर. अब आपके पास ये प्रोटेक्टर है. अब पहले क्या करेंगे, यू हैव टू मेक वन पॉइंट एंड ड्रॉ ए लाइन स्ट्रेट लाइन विद हेल्प ऑफ स्केल. स्केल को ऐसे रख के आप पहले तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. देन नाउ पुट योर दिस लाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी सेम. एक जगह पे आना चाहिए ये दोनों पॉइंट एक जगह पे आए. ऐसे उसको लाइन में रखेंगे. सी आई हैड कैप्ट हियर. देख लो ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट और ये लाइन. अब यहाँ पे दो ज़ीरो है, एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये साइड है. तो हमको कौन सी साइड का ज़ीरो देखना है, जो साइड दूसरी लाइन एरो है, मतलब ऐसे एक साइड एरो दो, जो साइड एक साइड एरो है वो जीरो देखेंगे हम. मतलब इस साइड का जीरो देखेंगे, बाकी की लाइन यहाँ पे इस साइड का जीरो देखेंगे. जीरो की जीरो कहाँ है, नीचे. अब वहाँ से जो नीचे वाले जीरो में आप 90 खोजो. 90 कहाँ है, जीरो 10 20 30 40 50 60 70 80 90. ओके, अब नाउ यू हैव टू पुट द पॉइंट ऑन 90. इन 90 के आगे ऐसे आप पॉइंट रख दो. पॉइंट रख दिया. देन टेक आउट, टेक दिस प्रोटेक्टर. ये प्रोटेक्टर को ले लो. देन विद हेल्प ऑफ स्केल यू जॉइंट दिस पॉइंट. अब ये पॉइंट आपको जॉइंट करना है ऐसे स्केल की मदद से. आपको ये पॉइंट जॉइंट करना है ऐसे. स्केल रख दो. स्केल है तो स्केल यूज़ करो, नहीं तो इससे भी यूज़ कर सकते हैं हम. एंड देन जॉइन दिस पॉइंट. देन यू गॉट दिस एंगल 90 degree. सो सी दिस इज अवर 90 degree. नाउ दिस लाइन इज बिग, दिस लाइन इज स्मॉल, नो इश्यू. या आपको जितनी लंबी लाइन चाहे उतनी जा सकते हो. सो दिस वे वी गेट 90 degree. एंड दिस इज अ राइट एंगल. विच टाइप ऑफ एंगल, मैंने यहाँ पे ऐसे बोला है कि राइट द टाइप्स ऑफ एंगल ऑल्सो. नाउ दिस इज राइट ऑफ एंगल. सो विच टाइप ऑफ इट इज 90 degree. सो दिस इज अ राइट एंगल. वी कैन राइट दिस इज राइट एंगल राइट. देन नाउ लेट्स टेक अ न्यू वन, अ सेकेंड नंबर. Now let's take second number. I will take second number as a 60 degree. We have to draw the angle having 60 degree. अब 60 degree हो ऐसा angle draw करना है. So पहले क्या करेंगे, same as first you have to make point, then draw a straight line with the help of scale,
मेक एरो वन साइड, एक साइड एरो दो दो, फिर आपका जो प्रोटेक्टर है, यू हैव टू कीप द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर अरेंज करो। कैसे करेंगे देख लो, यह ध्यान रख के, अभी अरेंज नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो प्रोटेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बीच वाला और ये लाइन का एंड, दोनों एक साइड आना चाहिए, बराबर। बोथ शुड बी ए वन ओवरलैप होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और ये लाइन ये प्रोटेक्टर की जो लाइन है, यह प्रोटेक्टर की लाइन, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। और ये आपको जो ये लाइन दिख रही है, वो लाइन, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, उस लाइन के ऊपर आने चाहिए। सो दिस इज़ द मेन थिंग। ऐसे मैं अरेंज करता हूँ, देख लो, ये हो गया अरेंज, ओके। आपको बुक में अच्छी तरह से करना है, ध्यान रख के करना है। नाउ सी दिस वे, दिस इज़ द जॉइंट, मैंने ये अरेंज कर दिया, देखो लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर। नाउ दिस इज 60 डिग्री। अब 60 कौन सा लेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो साइड जीरो है, ये साइड जीरो है और ये साइड जीरो है, तो 60 आपका दो साइड आएगा। लेकिन हमको कौन सा 60 चाहिए, जो साइड एरो है, एरो की साइड ड्रॉ किया मैंने इस साइड, तो वो साइड का जीरो देखेंगे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60। सी दिस इज 60, राइट, दिस 0, 10, यह 0, 10, सी दिस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो दिस इज 60। अब वो 60 जहाँ है, वो 60 के आगे आप ऐसे पॉइंट कर दो, बस ऐसा पहले पॉइंट कर देना है। देखो लो, 60 के आगे मैंने पॉइंट कर दिया है। अब 60 के आगे पॉइंट करने के बाद अपना प्रोटेक्टर उठा लो, प्रोटेक्टर उठा के इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, लाइन टू लाइन, और एडजस्ट करने के बाद यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब स्केल, इसमें स्केल ही इसके एडजस्ट कर दिया, और ऐसे आप ड्रॉ कर दो। सो दिस वे, एंड मेक एरो हियर ऑल्सो, दोनों साइड एरो करना है। दिस वे आई हैड मेक 60 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज लेस देन राइट एंगल। सो वी राइट द टाइप्स ऑफ एंगल, लेस देन राइट एंगल। सो ऐसे लेस देन राइट एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री। नाउ आई विल ड्रॉ अनदर वन, मैं दूसरा ड्रॉ करूँगा। आप दिस इज 60 डिग्री। नाउ आई विल टेक हियर अ नंबर 3 एज ए 110 डिग्री। नाउ यू नो 110 मीन्स मोर देन 90, 110 मोर देन 90 है। सेम थिंग, पहले क्या करेंगे भाई, फर्स्ट यू हैव टू मेक पॉइंट एंड ड्रॉ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, मेक एरो, और एरो रख दिया। अब क्या करेंगे, हम हर वक्त करते ऐसा ही, टेक प्रोटेक्टर एंड पुट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट द लाइन विच हैड ड्रॉन एंड द लाइन विच इज़ ऑन द प्रोटेक्टर हैविंग जीरो शुड बी इन अ सेम लाइन, दोनों सेम लाइन आए, ऐसे आपको लगाना है, ज्वाइंट करना है। देखो एडजस्ट कर दिया, देन फिर से बोलता हूँ मैं, जीरो कौन सा देखेंगे, जो साइड एरो है हमारा, एरो यह साइड है, मतलब जो साइड एरो है वो साइड का जीरो देखेंगे। क्या दोनों है 110, तो एरो कहाँ, ये साइड का,
तो उस साइड मतलब उस साइड का जीरो नीचे है तो उसमें गिनते जाओ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। तो 110 यहाँ पे है, एक्चुअली 110 के आगे 70 है, देखो है ना, 110 के आगे 70 है, लेकिन वो 70 एक्चुअली नहीं है, हम इस साइड के जीरो करते हैं दिखते हैं, इसलिए ये साइड के जीरो करेंगे तो वो 70 होगा। अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे तो ये 70 होगा, हमको यहाँ से करना है बराबर 110 है। मतलब ध्यान रखना है कि जो साइड अपनी एक्स्ट्रा लाइन है, एरो है, वो साइड का जीरो देखेंगे। ओके, नाउ 110, टेक आउट योर दिस प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ले लो, फिर स्केल्स की मदद से यह स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो यह एरो ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, एक दोनों दूसरे से दूर जाती है, दैट्स व्हाई इट इज मोर देन राइट एंगल। सो वी कैन राइट हियर मोर देन राइट एंगल, सो दिस इज आई विल राइट हियर मोर देन राइट एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे आई हैड ड्रॉन अ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, 90 degree, 60 degree and 110, राइट एंगल, लेस देन एंगल राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस, नाउ आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल, 180 degree, इट इज 180, हाउ कैन यू ड्रॉ दिस, सी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट, बट 180 दैट मीन्स इज इट मोर देन राइट एंगल, यस मोर देन राइट एंगल है, लेकिन वो 180 कैसे होगा, इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, चलो पहले हम इसकी यूज करते हैं, वी हैव टू पुट इट हियर द पॉइंट, यस मेक लाइन, लाइन ड्रॉ की, एरो कर दिया, अपना सेम मेथड, फिर प्रोटेक्टर को हम वहाँ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर को अरेंज करेंगे, अरेंज कर दिया, अब देखो जीरो कहाँ, कौन सा जीरो देखना है, एरो है वो जीरो देखना है, तो एरो वाला जीरो नीचे है, वो जीरो में 180 कहाँ आता है, यहाँ आता है, सो जीरो और 180 दोनों साथ में आ गया, पॉइंट कर लो, अब पॉइंट कर दिया, जॉइन दिस, यह पॉइंट को उससे जॉइन कर दिया। सो आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, यस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मोर देन राइट एंगल, इसको मोर देन इसको मोर देन राइट एंगल बोलेंगे, और इसका दूसरा एंगल नाम है स्ट्रेट एंगल, सो दिस इज स्ट्रेट एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे 90 degree, 60 degree, 110 एंड स्ट्रेट एंगल मीन्स अलग अलग टाइप के एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको मैं एक और एंगल ड्रॉ करके बताता हूँ अभी, फिर मैं इसी वीडियो में आपको होमवर्क भी दूंगा, आप होमवर्क भी करेंगे, ये क्लास वर्क तो करना ही है। चलो 90 degree, 60 degree, 110, नाउ लेट्स ड्रॉ 35 degree। ओके, अब हम 35 degree ड्रॉ करते हैं, 35 degree, ओके, एज पर आई हैड टोल्ड यू वी हैव टू फर्स्ट मेक द पॉइंट, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, एरो, फिर अपना प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को वहाँ पे रखेंगे, सीधा होना चाहिए प्रोटेक्टर, ऐसा उल्टा नहीं, ये ध्यान रखना,
ये उल्टा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, सीधा सीधा प्रोटेक्टर रखो और इसके ऊपर रख दिया। कैसे अरेंज करना है देख लो, पॉइंट ये बीच वाले इंटरसेक्शन में सन के बीच में आना चाहिए, ये हमारा सन है, इसके बीच में सेंटर में पॉइंट आना चाहिए, फिर लाइन के ऊपर लाइन, दिस इज़ कंपलसरी। नाउ 35 डिग्री है, अब इसमें जीरो कौन सा देखेंगे भाई, एरो जो साइड है वो जीरो देखेंगे। अब 35 डिग्री तो कहाँ आएगा देख लो भाई, जीरो 10 20 30, फिर ये 30 के बाद ये 31 32 30 34 35, ये बीच में देख लो भाई 30 और 40 के बीच में 35 आता है, राइट, दैट वी आर पॉइंट इट, वहाँ पे पॉइंट कर लो 30 और 35 40 के बीच में। देन टेक योर दिस प्रोटेक्टर, ऐसे प्रोटेक्टर लेके बैठना है, हाथ से नहीं करेंगे, यू मस्ट यूज़ द प्रोटेक्टर एंड स्केल। और यहाँ मेरे तो स्ट्रेट लाइन आती है इसलिए मैं दौड़ता हूँ, एंड जॉइन दिस लाइन, यू यूज स्केल एंड प्रोटेक्टर, दिस इज 35 डिग्री एंड दिस इज लेस देन राइट एंगल, दिस वे 35 डिग्री यू कैन ड्रॉ लेस देन राइट एंगल। अब एक और मैं लास्ट आपको जो ड्रॉ करके बताऊंगा, 6 नंबर, लेट्स ड्रॉ 135, चलो 135, सेम वे वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट, मेक पॉइंट, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड पुट द प्रोटेक्टर देयर। प्रोटेक्टर को कैसे अरेंज करना है वो खास ध्यान रखना है, ये थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। देन 135, जीरो कौन सा देखेंगे, ये साइड को जीरो देखेंगे क्योंकि एरो लाइन यहाँ पे है, 135 तो 100, 110, 120, 130 और 40 के बीच में 135 ये रहा देख लो, राइट, एंड देन वी हैव टू पुट द प्रोटेक्टर पॉइंट ऑन 135, ये टेक आउट द प्रोटेक्टर और यहाँ से अपना लाइन जॉइन कर दो, इसको दूर जाने देते हैं। नाउ दिस इज 135 डिग्री, इट इज़ अ मोर देन राइट एंगल, सो दिस वे डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, राइट। देन नाउ आई गिव यू होमवर्क, ये क्लास वर्क आपको करना है और इसके साथ मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, सो आई हैड रिटन हियर होमवर्क, आपको यह एंगल्स अपनी नोटबुक में दूरना है, 40 डिग्री 55 डिग्री 65 डिग्री 100 डिग्री 120 डिग्री 140 डिग्री 155 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑफकोर्स 90 डिग्री आपने पहले ड्रॉ कर दिया है लेकिन आपको फिर से ड्रॉ करना है, ओके okay? अब फिर से मैं आपको पूरा वीडियो जितना ड्रॉ किया वो फिर से बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये सब एंगल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आपको कंपलसरी करना है इन योर नोटबुक, और नोटबुक में लिखने के बाद मैंने हर वक्त बोला है ऐसा, जस्ट कमेंट में सर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क ये लिखना मत भूलना, वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ करते जाओ और ये लिखने का वीडियो के कमेंट में होमवर्क आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क लिखने का भूलना नहीं है, एंड यू मस्ट ड्रॉ दिस क्लास वर्क, यू मस्ट राइट क्लास वर्क एंड होमवर्क वेरी बेस्ट वे इन योर नोटबुक, ओके। नेक्स्ट टाइम नाउ अवर आई दिस चैप्टर इस मे बी कंप्लीटेड, नेक्स्ट टाइम विद वी मीट विथ अवर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल वाले घंटे को आप दबाओ, जिससे आपको बहुत बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिलेंगे। गुड बाय, सी यू।